So I'm going to talk about three things. Why Disney sucks, it doesn't, but still. Think Quick, and then IGTV and YouTube. So yesterday I was talking about why Disney has somewhat completely ruined Marvel. That is because it's very cheesy and very childish and costume se leke storyline tak wo kafi cheezon ko change kar dete hain aur itna bachcho wala bana dete hain Disney-ish bana dete hain ki I think sara comic wala element chala hi jata hai samne aur rahi baat jis tarah unhone kharab kiya hai Spider-Man ko partially obviously Sony ki bhi galti hai but still I think Disney ka masla hai sara kyunki Disney is just about business I guess Star Wars se leke Indiana Jones tak फिर बाकी सारे फ्रेंचाइज और कौन सा फॉक्स वगैरह सब ले लिया उन्होंने खैर वो तो मार्वल के अंदर ही आता है बट स्टिल उन्होंने जिस तरह ओवरऑल हर चीज़ पे कब्जा करने की कोशिश की थी आई थिंक वो सारा कंपटीशन और सारा स्पाइसीनेस ख़त्म हो गई है उसकी वजह से और ऑल्सो आई थिंक कि कॉमिक बेस्ड मूवीज़ की वजह से जितने भी ये जितने सुपर हीरो मूवीज़ बन रही हैं इनकी वजह से जितने भी एक्टर्स हैं इनको ख़राब किया जा रहा है अपेरेंटली सेम जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर Hugh Jackman ने बीच में काफ़ी मूवीज बनाई थी तो स्टिल वुल्वरीन वाला जो करेक्टर था वो बहुत डिफरेंट था उसमें रन थिंग्स इतना फर्क पड़ता है बट इफ़ यू टॉक अबाउट आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद डी सी मार्वल बट कंपैरेटिवली जोकर हैज़ अ लॉट टू ऑफर आई गेस एज एन एक्टर उसके उसमें बहुत सी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें दिखाने को मिलती हैं बट कैप्टन अमेरिका में आई डोंट थिंक सो कुछ खास चीज़ बचती है कि आप उसमें दिखाओ के यू नो लाइक जय हिंद ब्रो पहले मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था एंड बाकी जितने भी एक्टर्स हैं बाकी जितने करेक्टर्स हैं आई थिंक बहुत कम करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली एज मिलता है कि वो अपने एक्टिंग स्किल्स दिखा सकें बट अदर देन दैट आई थिंक कि सारे एक्टर्स को ख़राब किया जा रहा है जैसे कि इवन के प्रोफेसर एक्स जो चार्ल्स एक्सेवियर था क्या नाम है जेम्स मैकॉय पता नहीं जो भी नाम है आई थिंक वो बहुत अच्छा ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर जिस तरह उसमें उसका पार्ट है इतना कोई ख़ास नहीं है और फिर आपके पिल आई गेस लेवल सा लग जाता है एंड यू कॉन्ट डू शेड अबाउट इट आई गेस अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिर्फ लोग आयरन मैन की वजह से जानते हैं सेम गोज़ विद टॉबी मैग्वायर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर है जो काफ़ी अंडररेटेड है येट के उसको सिर्फ एज अ स्पाइडरमैन माना जाता है एंड सेकेंडली जो सेकेंड टॉपिक था वो ये था कि मैं एक समवट थिंक वीक पे जा रहा हूँ आई नो एम नो बिल गेट्स बट स्टिल आई वॉन्टेड कि मैं एक वीक पूरा यू नो अपने लिए गुजरा मैं लाइक मी टाइम समवट आई यूज टू कॉल इट सेल्फी टाइम लाइक सेल्फ के लिए सो आई नो दैट्स रिडिकुलस बट स्टिल ये वाला आज संडे को प्रॉबली आएगा नॉट प्रॉबली इंशाल्लाह आज आई अपलोड दिस शेट एंड मंडे से आई स्टार्ट दिस सो कॉल्ड आई स्टार्ट द ब्रेक एंड नेक्स्ट मंडे या प्रॉबली फर्स्ट बनता ट्यूजडे आई गेस तो फर्स्ट कॉल return away these videos and stuff and shit I'll try to record usi duran kafi I'll try ki main serious topic pe somewhat baat karne ki koshish karu warna most of the time main sirf mar raha hota hu jaise isme I think ki main thoda sa bolne ki ya sahi bolne ki ya so during that time I'll try to I have to work on दो तीन चीज़ें फॉर एग्जाम्पल स्टोरी मैंने लिखनी है मैंने नावल अपनी ख़त्म करनी है दो तीन बुक्स ख़त्म करनी है बट एक नावल ख़त्म करनी है आई हैव टू रीड आई हैव टू समवट स्टडी काफ़ी और चीज़ें आई वॉन्ट बी वॉचिंग एनी शोज और मूवीज़ प्रॉबली एक दो देखूंगा मैं और टाइटन्स खैर आज ही देख लूँगा बट नो शोज़ नो टी वी नो मोबाइल नो व्हाट्सअप और नो इंस्टाग्राम नो इंटरनेट एंड प्रॉबली मेरा फ़ोन भी पावर्ड ऑफ होगा प्रॉबली लेट्स सी कि मैं कहीं अगर बाहर नहीं जाता तो फ़ोन बंद करके मैं जा सकता हूँ वरना मामा की बेइज्जती पड़ेगी वरना तीसरी बात जो थी वो ये थी कि दिस विल बी द लास्ट एपिसोड जो IGTV पे मैं अपलोड करूँगा वरना मैं यूट्यूब पे डालूँगा डायरेक्ट उस पर थोड़ी सी हाईलाइट्स या समवर टीज़र टाइप सा होगा एंड फुल एपिसोड जो है वो आपका जाएगा यूट्यूब पे सो आई एम ट्राइंग कि यूट्यूब थोड़ा सा मेरा ग्रो कर सके अभी तो लाइक इट्स लाइक सो पीस आउट सी यू 1st October.
और बहुत हजार चीज़ें होती हैं उस मूवी को अच्छा बनाते थे, बट द थिंग इज़ दैट कि ओवरऑल आई थिंक डिज्नी ने मार्वल की कर दिया। ऑन द अदर हैंड